हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज हमारे बीच में है शालिनी रमानी जी। ये जो है ये फाउंडर है AMJJS फाउंडेशन की। मेरी बहुत टाइम से इच्छा थी कि मैं उनके साथ में एक लाइव में आ सकूं, उनको ज्वाइन कर सकूं, उनको सुन सकूं, उनसे बात कर सकूं, और फाइनली मेरी ये इच्छा पूरी हो रही है। ये एक काफ़ी इंस्पिरेशनल फिगर है और मेरे साथ में मैं चाहती थी कि सिर्फ मैं नहीं बल्कि हम सब इनसे बात कर सके लाइव। शालिनी रमानी जी ये फाउंडर है AMJJS फाउंडेशन की, वर्ल्ड रिकॉर्ड अचीवर है। इन्होंने 25,000 महिलाओं को प्रशिक्षण दिया है, जिनमें इन्होंने श्रमिकों के बीच जाकर, बस्तियों के बच्चों को जाकर के और उनका व्यवहारिक दोष मुक्त करने का काम किया है। अब्यूज फ्री इंडिया, अल्कोहल फ्री इंडिया, ड्रग फ्री लाइफ के ऊपर काम किया है इन्होंने, जहां पर हम सभी लोग एक आरामदायक लाइफ चाहते हैं, वही इन्होंने ग्राउंड लेवल पर उतर करके काम किया है। ये आपकी मुस्कान जन जागृति समिति के पहले इन्होंने अपना खुद का एक ट्रैवल एजेंसी भी रन किया है। शी इज दुबई रिटर्न्ड एंड इनका बहुत ही जबरदस्त ऑरा रहा है। अच्छी पोजीशन पे काम कर किया है इन्होंने। हाईएस्ट पेड जॉब थी इनकी विथ 5 फिगर इनकम। तो कैसे इन्होंने इनका ये इतना हाई पेड जॉब छोड़ के आज वो एक समाज सेविका बनी, चलिए जानते हैं इनकी स्टोरी इन्हीं के जुबानी। हेलो शालिनी जी, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ पूर्वी, तुम कैसे हो? ये जो एनर्जी है जो तुमने एक्यूप्रेशर के माध्यम से सभी जगह फैला करके रखी हुई है और सबको स्वास्थ्य प्रदान कर रही हो तुम, जो माय हेल्थ माय प्रायोरिटी कैंपेन के जरिए, ये बहुत बड़ी बात है। और आई एम ऑलवेज इंस्पायर्ड बाई योर वीडियोज, बाई योर एफर्ट्स, वॉट यू आर टेकिंग एंड यू नो गिविंग दिस वर्ल्ड अ बेटर फ्यूचर टूवर्ड्स देयर हेल्थ। मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच शालिनी जी, थैंक यू सो मच। अब से ये सुनकर बहुत ही अच्छा लग रहा है ये सारी चीजें। तो शालिनी जी, मैं आपसे बहुत ज्यादा इंस्पायर हूँ, ये तो आप जानते ही है। कैसे आप इतनी सारी चीजें एक साथ रन कर लेते हो यार? जैसे हो गया अब्यूज फ्री इंडिया, हो गया डिग्निटी वाला कैंपेन आपने रन किया था बीच में, नो अल्कोहल नो स्मोकिंग कैंपेन बीच में आपका देखा था, ट्रैफिक का तो आपने कितना बड़ा कैंपेन किया था, मैंने कितनी सारी चीजें देखी है उसके ऊपर। फिर साथ में आप चाइल्ड एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर लेके आते हैं, कैसे ये सारे कैंपेन आप एक साथ रन कर लेते हो? पूर्वी बेसिकली क्या होता है, कैंपेन जो रहते हैं ना वो हमेशा बाय द पीपल फॉर द पीपल होते हैं। तो बेसिकली हम कोई कैंपेन रन नहीं करते, लोग खुद ही अपने कैंपेन खुद रन करते हैं। जो लोगों की जो नीड होती है, गवर्नमेंट हमेशा उस नीड को फुलफिल करने के लिए आगे बढ़ता है। तो हम केवल जो गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस हैं और जो उनके प्रोजेक्ट्स हैं, उनकी जो योजनाएं हैं, हम सिर्फ लोगों को उन तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। क्योंकि आज की डेट में करीबन 5,000 योजनाएं हैं जो प्रधानमंत्री जी द्वारा चलाई जा रही हैं, लेकिन लोगों को इसकी जानकारी भी नहीं है। यहाँ तक तुमको खुद को नहीं समझ में आ रहा था एक टाइम पे कि तुम एज अ यूथ क्या करियर करना चाहिए, बट जस्ट सी विद अ स्मॉल गाइडेंस यू हैव स्टार्टेड योर ओन वेंचर। आपने अपना खुद का एक एफर्ट लगाकर अपना खुद का एक इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया, जहां पर आप अपने नॉलेज को शेयर कर रहे हो थ्रू एजुकेशन। लोग हमेशा ये मुझसे बोलते हैं कि मैम डिग्री डिग्री डिग्री, बट मैं हमेशा एक ही चीज कहती हूँ, डू नॉट रन आफ्टर डिग्री, अपने कौशल को बढ़ाओ। शालिनी जी, लगता है आपकी वॉइस थोड़ी ऊपर नीचे हो, प्लीज आप वापस थोड़ा बोलेंगे, आप क्या बोल रहे थे? हाँ पर मैं ये कह रही थी कि डिजिटल इंडिया जो है अपने आप में एक इतना बड़ा प्रोजेक्ट है जिसके माध्यम से युवा आज जो है वो आत्मनिर्भर हो रहे हैं। कितने सारे लोगों ने अपना नॉलेज शेयर करके अपना एक इंस्टीट्यूट रन किया, आज लोगों को वो एजुकेशन जो दे रहे हैं। पहले के टाइम पे ऐसे होता था कि जो स्टूडेंट होते थे वो कहीं ना कहीं एक दायरे में रहते थे कि उनका जो टीचर है वो जो उनको पढ़ा रहे वही, बट आज बच्चों के लिए इतने रिसोर्सेज हो गए हैं डिजिटल इंडिया के माध्यम से कि एक ही चैप्टर को वो डिफरेंट डिफरेंट टीचर से डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में पढ़ पा रहे हैं। तो
ये भी एक रोजगार का एक बहुत बड़ा माध्यम है। तो मैं जो हमेशा बात करती हूँ कि लोगों को डिग्री के बजाय अपने एजुकेशनल हुनर को अपना करियर बेस देना चाहिए, क्योंकि जब आपका इंटरेस्ट रहेगा, जब आपका हुनर रहेगा, तो आप उस काम को और बेहतर कर पाओगे और उसमें माहिर होकर के आप आगे बढ़ सकते हो। कि क्योंकि देखो आज जो इंडिया है बेसिकली वो कला प्रधान देश है, तो यहाँ की कला विदेशों में भी लोग ले रहे हैं और अपने अपने ब्रांड्स बना करके बिजनेस करके इंडियन कंट्री में ही आकर के इंडियन को ही सेल आउट करते हैं। तो ये सबसे बड़ी बात है कि शिक्षा हमारी, विद्या हमारी, पीपल हमारे, जो लोग हैं आज विदेश में विदेशी कंपनियों में जाकर के काम कर रहे हैं और यहाँ तक जो सेल्स की बारी आती है वो इंडिया में आकर के अपने ब्रांड्स प्रमोट करके अपनी इकोनॉमी को स्टैंड कर रहे हैं। तो मैं हमेशा एक चीज कहती हूँ कि इंडिया के लोगों को चाहे छोटा ही सही अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि एक जो बिजनेस होता है वो इंडिपेंडेंट बिजनेस होता है। व्हेन अ पर्सन स्टार्ट्स अ बिजनेस दे स्टार्ट विद वन थॉट एंड दैट थॉट क्रिएट्स अ लेवल, अ चेन, अ ग्रुप। तो जैसे कि हम ये बात करें कि आज जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, लोग पैसा तो चाह रहे हैं बट जो एजुकेशन की वैल्यू है वो बदलती जा रही है। लोग सोचते हैं हमको डिग्री मिल जाएगी तो हमको रोजगार मिल जाएगा, और आज बहुत सारे लोग डिग्री लेकर के ही बैठे हुए हैं, रोजगार नहीं है। लेकिन आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत अपने हुनर के अनुसार जो व्यक्ति आगे बढ़ रहा है वो रोजगार को प्राप्त कर रहा है। अगर कोई व्यक्ति पेंटिंग कर रहा है तो पेंटिंग के माध्यम से अर्न कर रहा है, अगर कोई व्यक्ति डांसिंग कर रहा है तो डांस क्लास के माध्यम से अर्न कर रहा है, अगर कोई व्यक्ति योगा कर रहा है तो योग के माध्यम से अर्न कर रहा है। अब आप हो एक्यूप्रेशर के माध्यम से अर्न कर रहे हो, और इंडिया में ही नहीं अपनी नॉलेज को आप इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स तक पहुंचा रहे हो। सो यू नो दिस इज ऑल अबाउट द क्रिएटिविटी, एफर्ट एंड द प्रैक्टिस विच गिव्स यू स्ट्रेंथ एंड एम्प्लॉयमेंट। सो एजुकेशन इज नथिंग बट लर्निंग टू stand on your feet with your own thoughts and actions. So true, शालिनी जी, आपने बहुत सही कहा है। मैंने कितने सारे, मेरे सामने अगर मैं देखने जाऊँ तो भी मैंने कितने सारे ऐसे ऐसे examples देख लिए हैं जो लोग डिग्री के पीछे पीछे भाग भाग के अभी तक वो बेचारे ऐसे ही पड़े हैं जहाँ पे जॉब्स ही नहीं है उनको। बट जैसे मैंने सुना है आपसे, राइट, कि आपने, और मैंने बहुत जगह पे पढ़ा भी आपके बारे में, कि आपने 25,000 लोगों को जागरूक किया है टुवर्ड्स एम्पावरमेंट क्या होता है, टुवर्ड्स बिजनेस कैसा होता है, इसके बारे में। तो उसमें आपके क्या सक्सेस रेशियो रहा और क्या चैलेंजेस रहे, इसके बारे में भी आप थोड़ा प्लीज हमें बताइए, थोड़ी जानकारी दीजिए। महिला मेरे पास आई, बोली दीदी मैं पढ़ना चाहती हूँ, मैं कुछ करना चाहती हूँ, और क्योंकि मैं बुद्धिज्म में थी और मैं काफी कुछ रीड करती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि यू नो एवरीबॉडी हैव अ मिशन इन लाइफ। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि somebody is calling me कि मुझे एजुकेशन दो, मैं आपसे कुछ सीखना चाहती हूँ, मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ। एंड आई वॉज वर्किंग एट दैट टाइम, तो मुझे ऐसा लगा कि यू नो बहुत ही, अगर देखा जाए तो लोगों के लिए ये एक बहुत बड़ी बात थी कि अपना सब कुछ जॉब छोड़ना, और तो बहुत ही शौक का बात है। ये तो बहुत सही कहा आपने, ये मुझे भी सुन के शौक लग रहा है, इतनी बड़ी जॉब आपने कैसे छोड़ दी अचानक से एकदम। तो वही, एक इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे होना और सब कुछ अच्छे से आगे बढ़ना है, कितना, अगर आप देखोगे तो मेरा करियर जो रहा शुरू से ही, मैं एयरलाइंस बैकग्राउंड में रही, मेरा खुद का ट्रैवल एजेंसी रहा काफी टाइम तक और बहुत सक्सेसफुली मैंने अपना ट्रैवल एजेंसी रन किया। एंड यू नो आफ्टर कमिंग फ्रॉम एविएशन एंड रिटर्निंग फ्रॉम दुबई and that period, you know, which was a very, very different stage. But somewhere down the line, I was challenging a bit
यू नो बाय हेल्थ, बट एज न्यूट्रिशन वॉज माय सब्जेक्ट at my college time, so nutrition I was always fascinated towards and inclined towards ayurveda and nutrition. तो मुझे ऐसे होता था कि मैं कभी भी कुछ लिखती थी तो मैं हमेशा न्यूट्रिशनल पार्ट पे लिखती थी, या मैं रीड करती थी तो हमेशा हेल्थ को लेकर के मैं मोटिवेशन हमेशा लिखती थी. एंड क्योंकि ट्रैवलिंग था तो कहीं ना कहीं होटल इंडस्ट्री भी जो आती है तो एक ग्लैमर इंडस्ट्री को ही टच कर देती है बेसिकली, अगर देखा जाए तो एविएशन ट्रैवल्स, फिर उसके बाद होटल मैनेजमेंट, अगर ये सारी चीजों को देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत ही ज्यादा एक ऐसी इंडस्ट्री है जो कभी भी खत्म नहीं हो सकती. मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, मोड ऑफ यू नो फूडिंग, और जो जिस तरीके से होटल इंडस्ट्री बढ़ती जा रही थी तो मेरा इंटरेस्ट यू नो और ज्यादा बढ़ रहा था. बट एट द सेम टाइम यूनिवर्स वाज डिमांडिंग समथिंग एल्स, दैट वाज एजुकेशन टू अंडर प्रिविलेज्ड. तो मुझे ऐसे लगा कि ये भी एक दुनिया है जो हम चार दीवारी से नहीं देख सकते, और ये इस दुनिया का जो दर्द है जब तक आप यहाँ उतरोगे नहीं आपको पता नहीं पड़ेगा. तो बहुत ही चैलेंजिंग था अपना सब कुछ छोड़कर बस्तियों में जाना और फिर एक ऐसे सिचुएशन को फेस करना जहां पर लोग ये बोले कि आपको क्या पता, आप तो गाड़ियों में घूमते हो, आपको क्या पता, आपको तो सब कुछ मिला हुआ है. हमारी लाइफ जी करके देखो तो समझ में आएगा कि हमारी लाइफ क्या होती है. तो एट दैट टाइम मैंने अपनी कार तक छोड़ी, मैंने सोचा कि मुझे फील्ड पे जाना है. मैं टू व्हीलर पे आई आफ्टर 12 to 14 इयर्स मैंने टू व्हीलर ड्राइव करी कि मैं बस्तियों में जाऊं और मैं उन लोगों के बीच में रहूं और उन लोगों के साथ कि उन लोगों के बीच में क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, उनकी क्या सिचुएशन होती है, वो कैसे चीजों को डील करते हैं, बिना पैसे के वो कैसे चलते हैं. मैंने सब कुछ छोड़ा. अब चैलेंजिंग सिचुएशन कहाँ पर थी कि आपने जॉब छोड़ दिया, आप मनीलेस हो गए, ठीक है, आपके पास कोई स्टेट ऑफ इनकम नहीं आ रही है, आपने ऑर्गेनाइजेशन शुरू किया है, वो ऑर्गेनाइजेशन पे कोई प्रोजेक्ट नहीं है, और जब आप अपने पास से आप जो काम कर रहे हो उस पैसे से आपको एजुकेशन भी देना है, आपको अपने एक्सपेंसेस भी मैनेज करने हैं और आपको अपना ऑर्गेनाइजेशन भी रन करना है. तो इट वॉज सो वेरी हार्ड एक्चुअली टू लिविंग a state of a poverty line with a state carrying our own identity. तो मैं मुझे ऐसा लगता था कि मुझे अपनी identity भी रखना है. At time ऐसे आया था जब my accounts were at the stage of no money. God, bye. And facing the stage कि होगा कैसे, निकलेंगे कैसे. यहाँ तक 100 रुपए पेट्रोल के भी टू व्हीलर में एक टाइम ऐसा था कि एक बहुत बड़ा चैलेंज हो गया था. एंड मैं हमेशा कहती हूँ कि पैसा क्या है, जो पैसा है वो हमारी डिग्निटी है, नथिंग एल्स. तो मुझे ऐसे लगता था कि जब किसी के पास पैसा नहीं होता है और वो ये बोलता है या भगवान मुझे ऐसा जीवन देने से अच्छा तो मुझे उठा ले, तो एक स्टेज जब आप सोचते हो कि मुझे पैसा दे दो, पैसा होना चाहिए, आप प्रार्थना करते हो कि मुझे कहीं से भी धन की प्राप्ति हो जाए, क्या हो जाए, तो वो लाइफ की आपको अपने घर में खाना देना है, वो लाइफ बच्चों की डिमांड पूरी करनी है, वो लाइफ की बच्चों की फीस देनी है, वो लाइफ जब कपड़े खरीदने हैं, वो लाइफ जब अपने बच्चों को खिलौने दिलवाने हैं, और आपके पास कुछ भी नहीं होता है, आंसर ये होता है कि आई एम सॉरी, मैं अभी तुम्हारा कोई हेल्प नहीं कर सकता हूँ, या रिलेशनशिप प्रॉब्लम आती है, अगर आप
पैसा देते हो, किसी से 100 रुपए भी मांगते हो, तो जो हर्ट होता है यू नो दैट वाज सो वेरी पेनफुल कि आप पैसा मांग भी रहे हो परिवार में तो एक गाली के साथ, कि आई कुड फील दैट पेन of a woman challenging their health issues, challenging their life issues. तो ये एक बहुत बड़ा जो था मेरे लिए चैलेंज था वो टाइम पे. तो वो जो वो स्टेज था ना वो इतना क्रूशियल था कि बहुत ही बड़ा एक चैलेंज था. तो यू नो मेरा एक सवाल होता था कि जब सब कुछ यही छोड़ के जाना है तो फिर ये लड़ाई कैसी, ये यू नो एक भागदौड़ है. हर व्यक्ति चाहता है कि मुझे पैसा चाहिए और उसकी एक नीड भी है, एक जरूरत भी है, और उसके बाद हम लाइफस्टाइल में भी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं. हमें लाइफस्टाइल भी चाहिए, हमें जब हम ग्राउंड पे उतरते हैं तो व्यक्ति को नशा भी हो जाता है. तो मैंने देखा कि कुछ लोग जो कुछ भी कमा रहे थे वो डिप्रेसिव स्टेट के अंदर अल्कोहल्स पे और कहीं ना कहीं एक ऐसे नशे पे खर्च कर रहे थे जहां पे उनका तो नुकसान हो ही रहा था, फैमिली भी पूरी तरीके से खत्म हो रही थी. और मैंने कुछ महिलाओं को ऐसे चैलेंजिंग सिचुएशन में देखा जब उनके बच्चे वो ड्रग एडिक्शन करके और उनको मार रहे हैं, जो उनकी वजह से उनका घर बिक गया, उनकी वजह से सारी चीजें बिक गई. तो यू नो एक वो इमोशन जब आपके हाथ से सब कुछ चला जा रहा है, एक पेरेंट जो स्ट्रगल कर रहा है और स्ट्रगल करने के बाद उसका बच्चा एक ड्रग एडिक्शन में आ गया है और वो ड्रग एडिक्शन में आने के बाद वो उधार पे उधार करे जा रहा है मार्केट से टू परचेज दैट ड्रग, एंड टू परचेज दैट ड्रग वो उधार तो कर ही रहा है, साथ में अपने माँ बाप को भी मार रहा है. तो यू नो दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स और सब कुछ देखते हुए तो यू नो एक टाइम पे मेरा फैमिली भी मुझे बोला कि यू नो तुम किस तरफ जा रही हो, यू नो वेयर यू आर मूविंग, व्हाई यू आर गोइंग इन दैट एरिया. आप अपने आप को देखो, अपने आप को समझो कि तुम्हारा एजुकेशन तुमने इतना लिया, इतने आगे बढ़े तुम, एक लेवल रहा, एक अर्निंग रही, और उसके बाद सब कुछ छोड़ के तुम जिस लाइन पे जा रहे हो वहां से नो रिवर्स, देयर इज नो रिवर्स, यू कैन नॉट कम बैक. एंड यू नो आई वाज लाइक आई इवन डोंट वांट टू कम बैक. मुझे ऐसे लग रहा था कि आई वांट टू गो मोर फर्दर. हाउ कुड आई बिकम अ सोर्स of energy and a help to a person जिसको एक होप चाहिए. मैं हमेशा कहती हूँ व्यापार एक व्यवहार है बेसिकली. और आज की डेट में सबसे बड़ा व्यापार एक इंसान को जीतना है, उस इंसान को समझना है. देखो वो व्यक्ति अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा जब वो अपने इमोशन को कंट्रोल कर लेगा. जब इमोशनल ब्रेकडाउन है तो ना तो वो खा पाएगा, ना तो वो सो पाएगा, ना तो वो स्वस्थ रह पाएगा. तो मुझे ऐसे लगा कि मुझे अगर कुछ करना है तो उस इमोशनल बैकग्राउंड को जो डिसबैलेंस है जो ब्रेक थ्रू देना, और वो ब्रेक थ्रू ऐसा होना चाहिए जो व्यक्ति को कहीं ना कहीं सेल्फ लव की तरफ लेकर आए. बिकॉज मैं जिससे मिल रही थी वो एक सेल्फ गिल्ट में थे और एक ही चीज थी उनके दिमाग में, या तो मुझे पैसा मिल जाए
और या तो मैं इस दुनिया से चला जाऊं। सही बात है, क्योंकि जब इंसान फाइनेंशियल स्ट्रगल करता है तो उसके साथ रिलेशनशिप और हेल्थ प्लस में आती है, क्योंकि मेंटल स्ट्रेस होता है, जवाबदारी होती है, तो रिलेशनशिप स्ट्रेस होता ही है। और आप चाहे कितना भी न्यूक्लियर फैमिली की तरफ आ जाओ, आपके पास 2 से 3 लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो होती है। चलो आज आप ज्वाइंट फैमिली की बात नहीं करते हो, लेकिन 2 से 3 लोगों की जवाबदारी भी आज एक इंसान के ऊपर भारी है। कोई भी व्यक्ति अगर आज एक हस्बैंड वाइफ है और अपने बच्चे ही हैं, तो उनको पढ़ाने के लिए भी आज दोनों लोगों को काम करने की जरूरत है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी सिचुएशन है ना तो एजुकेशन है, और अगर एजुकेशन है, डिग्री है, तो उनके हिसाब का रोजगार नहीं है। क्योंकि मार्केट में अगर रोजगार की मैं बात करूं तो टेक्नोलॉजी जिस स्टेज के ऊपर बढ़ गई है, वो नॉलेज लोगों को नहीं है, वो कस्टमर सर्विस जो प्रोवाइडिंग है वो नहीं है। तो आज हम कोई भी गवर्नमेंट आ जाए, बेसिकली जो रोजगार की बात है वो तब तक पूरी नहीं हो सकती है जब तक आप सेल्फ डिपेंडेंट, एक सेल्फ बेस्ड एक्शन नहीं ले लो। चाहे आपने, आपको जॉब ही क्यों नहीं करनी है, तो जॉब भी आप कैसे करोगे जब तक आप कोई एफर्ट ही नहीं लगाओगे। अब मैं हमेशा एक एग्जांपल देती हूँ कि अगर सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट टीम में आना था तो उनको कहीं ना कहीं तो एफर्ट लगाना पड़ा था ना, और वो एफर्ट क्या था? वो एफर्ट था प्रैक्टिस, वो एफर्ट था लॉट ऑफ एक्शन। जब वो अपने करियर के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, ऐसे तो इंडिया में नहीं आ गए ना, वो इंडियन टीम का हिस्सा नहीं बन पाए, और इंडियन टीम का हिस्सा बनने के बाद भी कितनी प्रैक्टिस उनको करना पड़ा, हर मैचेस का जो स्ट्रगल था वो फेस करना पड़ा। तो स्ट्रगल तो आपको फेस करना पड़ेगा, बिकॉज टिल यू आर अलाइव देयर इज नो लाइफ विच इज अ स्ट्रगल फ्री लाइफ। सो ट्रू, वन हैव to undergo the struggle, but आप कितनी happily इसी चीज को ले सकते हो। तो आपकी मुस्कान basically is all about spreading happiness. It is about your happiness, आपकी मुस्कान। और जन जागृति समिति का मतलब ही यही है कि हम कैसे लोगों को जागरूक करके और उनको heal करके उनको एक vision दे सके, उनको एक direction दे सके। सो ग्रेट चाइनी जी, आपने इतना सारा सब कुछ बताया और इतना अच्छे से डिटेल्ड में बताया कि मैं कितना टच फील कर रही हूँ आपसे, ओ गॉड। और साथ में आई एम सो प्राउड ऑफ यू चाइनी जी, आपने कितना अच्छी चीजें की है, मैं बिलीव नहीं कर सकती कि आपने, बाप रे, मेरे को खुद का घूस बम्स आ गया जब आप कितनी सारी चीजें आप कह रहे थे, ओ गॉड। मुझे थोड़े जो चीज है ना, बेसिकली ये अकेले के बस का है भी नहीं। अगर आज वो एक फीमेल, एक बहाना बन जाता है, वो अगर वो फीमेल मेरे पास नहीं आती होती कि मुझे कुछ सीखना है, तो शायद आज ये ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं बन पाती। और बस वो जो दौर था उसके अंदर माय मेंटर जोदाई तोदा एंड दाय से कोई केदा, उन्होंने जब मैंने 2011 में एक संकल्प लिया था कि आई विल रिमूव पॉवर्टी एंड इलनेस, तो हाउ यू कैन रिमूव पॉवर्टी एंड इलनेस, तो जस्ट थिंक अबाउट इट, वाज अ मिशन व्हिच आई स्टार्टेड इन 2011। फर्स्ट मैंने मस्ती की पाठशाला हम लगाते थे, जिसमें हम पेपर स्क्रबर्स को जाकर पढ़ाते थे, और उसमें से एक छोटी सी बच्ची थी जो कचरा पेपर बुनती थी, और वो आकर फटाक से मेरे पास आके बैठ जाती थी। तो मैं उसको पूछती थी कि तू मेरे पास क्यों आकर के बैठती है ऐसे, तो बोलती है कि सबको धक्का देकर आती है। मैं उसको बोलती थी सबको धक्का देकर के आती है, तो कहती थी कि अगर मैं आपके पास आऊंगी ना तो आप मुझे धुआ दोगे।
एंड दैट स्टेज यू नो वो बच्ची का बात ऐसे मुझे लगा कि दुआ। और हम क्या करते हैं, कोई काम कराते हैं और व्यक्ति को बोलते हैं यार ये काम कर देना, भगवान तेरा भला करेगा। और यार सच में, और अगर हम कहीं जाते हैं किसी को हम 5-10 रुपए देते हैं या हम कुछ भी देते हैं तो हम ये एक्सपेक्टेशन रखते हैं यार मैं आज किसी काम के लिए जा रही हूँ, दुआ करना ये सक्सेसफुल हो जाए। तो जब कोई व्यक्ति आगे बढ़ता है तो यू नो देयर इज अ वास्ट डिफरेंस। तो अब मुझे यहाँ पर जब मैंने भिक्षुक मुक्त के ऊपर काम किया तो मुझे एक इतना अजीब सिचुएशन समझ में आया कि एक जो पेपर बिन रही जो बच्चे हैं, दोस चिल्ड्रन आर टोटली डिफरेंट, वो रियल लाइफ स्ट्रगल कर रहे हैं। वो लोग पेपर बिनते हैं, प्लास्टिक बिनते हैं और उस कचरे को बिनकर वो उसको बेचकर अपना खाना खाते हैं या अपना जीवन चलाते हैं, है ना। और एक ग्रुप ऐसा मुझे मिला जो सड़कों के ऊपर फटे पुराने कपड़े पहनकर भीख मांगता है या कुछ सामान ऐसा कुछ रहता है तो वो उसको देता है, और अगर आप उसको कुछ नहीं देते हो तो वो आपको गंदी गंदी गालियां या अपशब्द दे करके जाता है। तो यू नो दैट वॉज अ वेरी बिग डिफरेंस विच आई रियलाइज्ड कि देर इज अ डिफरेंस। आप कचरा बिन रहे हो और उस कचरे को बेचकर अपना जीवन यापन कर रहे हो, है ना। और एक आप सड़कों के ऊपर लोगों को पैसा मांग रहे हो, और जब मैं उन पैसे मांगने वाले लोगों से मिली तो मैंने उनको देखा कि वो एक दिन में 5-10 रुपए इकट्ठा करके सबसे पूरे दिन में 1000 रुपए की अर्निंग करके बैठते हैं। और 500 से 1000 रुपए जो एक व्यक्ति कमा रहा है, पूरी फैमिली मिलकर के अप्रोक्सीमेटली 2-3 हजार रुपए कमा लेते हैं। तो दैट इज अ वेरी बिग बिजनेस, इमोशनल बिजनेस मुझे ऐसे लगा। और एक जो व्यक्ति काम कर रहा है, इज्जत से काम कर रहा है, उसको कोई व्यक्ति एक कप चाय भी नहीं पूछ रहा है, तो ये मुझे एक इतना बड़ा डिफरेंस लगा। तो मुझे ऐसे लगा कि भिक्षुक मुक्त के ऊपर जब हम काम करें तो उन लोगों को जो कचरा बिनते हैं, मैंने उनको देखा कि उनको कोविड का टाइम था और मैं ऐसे सड़कों पे और उसी ऐसी जगहों पे मैं घूम रही थी जहां पर लोग बाग पैसे के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, लाइफ चैलेंजिंग थी। मैंने एक्यूप्रेशर सिखाना चालू किया, निशुल्क ट्रेनिंग देनी चालू करी, और मुझे खुद को नहीं समझ में आता था कि अभी सब बोलते थे कि मास्क लगा, और मैं जब फील्ड पे होती थी मुझे ये भी नहीं पता होता था कि मेरा मास्क किधर है, क्योंकि मेरे सामने मुझे वो बच्चे दिखाई दे रहे थे, वो औरतें दिखाई दे रही थी, वो लोग दिखाई दे रहे थे जो स्ट्रगल कर रहे थे अपने अपने लाइवलीहुड के लिए, अपने अपने लाइफ के लिए। तो फिर मुझे ऐसे लगा कि यू नो लाइफ इज वेरी वेरी डिफरेंट व्हाट वी सी एग्जैक्टली। जो लोग कमाना चाहते हैं वो इज्जत से भी कमाना चाहते हैं, और उनके लिए वो कचरा भी कोई शर्म नहीं है। और जो लोग आज भी बैठे हुए हैं कि मुझे एक एसी कमरे में नौकरी मिलेगी या मेरे पास आज बहुत बड़ी डिग्री है, मैंने कुछ ऐसे युवाओं को भी देखा जो साफ बार्गेन करते थे कि मैं इतने पैकेज से नीचे नहीं जाऊंगी क्योंकि मेरे पास इतनी बड़ी डिग्री है, मैं ये नहीं करूंगी क्योंकि मेरे पास डिग्री है। तो एक्चुअली अगर देखा जाए डिग्री इज नथिंग बट अ सेल्फ प्रेज। सो सेल्फ प्रेज यू कैन गिव to a person who is struggling also. So मुझे ऐसा लगा कि self praise is much more required to a person who is struggling on field. You know, selling those paper material, that polythene, the plastic, rather than a person who is sitting at home talking abusive things
टू देयर पेरेंट्स एंड फीलिंग दैट दे हैव अचीव्ड अ डिग्री स्टडिंग अ नॉलेज कॉपिंग इट राइटिंग इट रीडिंग इट स्पीकिंग समथिंग गुड इन इंग्लिश एंड मेंटेनिंग देयर लाइफस्टाइल. सो ट्रू शालिनी, आपने बहुत ही सही कहा. पता है पूर्वी, मैं एक मीटिंग में गई थी, वहां पर मैं एक एक कलेक्टर से मैं मिली थी. एंड उस मीटिंग में दैट कलेक्टर वाज रिटायर्ड एंड शी वाज रनिंग अ ऑर्गेनाइजेशन. तो जब मुझे बोला गया, आई वाज इनवाइटेड एज अ गेस्ट, तो मुझे ऐसे बोला गया कि आप एक्यूप्रेशर के बारे में इन बच्चों को बताओ. तो मैंने जब उन बच्चों को बताया, मतलब किशोरियां थी, किशोरियां मींस यूथ, 16 अबव गर्ल्स, तो वो वहां पर थी. तो उन्होंने मेरे साथ में कुछ डिग्री के लिए जो महिलाएं थी, मतलब जो कुछ अच्छे डॉक्टर्स थे, जो काफी सीनियर प्रोफाइल पे थे, उनको बुलाया था. तो मुझे जब एज अ गेस्ट इनवाइट किया था, मुझे बोला गया था कि यू विल बी गेटिंग हाफ एन आवर टू स्पीक अबाउट एक्यूप्रेशर, तो मैम आप प्लीज आइए और ऐसे ऐसे करके. बट जब वो मुझे कलेक्टर मिली, तो मैंने कैंपेन फॉर डिग्निटी स्टार्ट किया था वो टाइम पे, एंड द कैंपेन फॉर डिग्निटी वॉज ऑल अबाउट रिस्पेक्ट फॉर लाइफ. तो वो मुझे बोले कि what is your qualification, so I told her that I am MD acupressure. So she said okay. So phir uske baad unhone bola ki maine kaha okay, I want to take a session on like my topic would be acupressure. To unhone bola ki what is acupressure all about, unko bhi nahi pata tha zyada karke ki acupressure kya hai, kaise kaam karta hai. To मैंने कहा मैम ये जो है बेसिकली इट्स अ काइंड ऑफ थेरेपी विच वी गिव थ्रू ब्रीदिंग एंड एक योग के माध्यम से, हम इसको एक्यू योग भी कह सकते हैं. तो कहती है कि मुझे इसके बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है, तो जो मुझे नॉलेज नहीं है तो आई नो कि लोगों को भी नॉलेज नहीं होगा. तो मैंने उनको बोला दैट इज वाई आई एम हियर, to spread this awareness to people, that is the reason why I am here. So she said, I can just give you 5 minutes, not more than that. So I said, ma'am, pran chikitsa aur 5 minute. But I was like, okay, theek hai, chalo, whatever. Because she said that मेरे पास MD MBBS डॉक्टर हैं जो कैंसर पे बोलने वाले हैं, जो थैलेसीमिया पे बोलने वाले हैं और न्यूट्रिशन पे बोलने वाले हैं, बहुत सारी चीजों के ऊपर दे आर गोइंग टू स्पीक, बट एक्यूप्रेशर इज लाइक वी डू नॉट नो मच अबाउट इट. और ये तुमको भी पता है कि यहाँ पर सब अंडर प्रिविलेज्ड है, तो यहाँ पर जो बस्ती के लोग हैं उनको जब मुझे ही नहीं पता है तो उनको कैसे पता होगा. तो जब मुझे पता चला तो मैंने उनको ये बोला कि मैंने हाल ही में एक पोयम लिखी है प्राण चिकित्सा के बारे में. अगर कोई व्यक्ति ये बोलता है कि मुझे एक्यूप्रेशर के बारे में नहीं पता, आयुर्वेदा के बारे में नहीं पता, तो वो अपने प्राणों के बारे में नहीं जानता, क्योंकि एक्यूप्रेशर इज ऑल अबाउट मूवमेंट ऑफ ब्लड एंड ब्रीदिंग. आप ब्रीद करते हो, जो सांस लेते हो, तो उसके साथ साथ आप अपनी जिंदगी को जीते हो. तो जो श्वास चिकित्सा है, जब आप सांस लेते हो तो आप बड़ी से बड़ी बीमारी को दूर कर सकते हो, और जब आप सूक्ष्म दबाव के माध्यम से अपने हाथों को दबाते हो, अपने पैरों को दबाते हो, आप पद अभ्यांग करते हो, आप अभ्यांग करते हो, तो आप अपने बॉडी को एक मूवमेंट दे देते हो. वो आप किसी भी स्टेट में हो, वो आपका मूवमेंट जो रहता है वो आपकी लाइफ कंडीशन को चेंज कर देता है. और इस प्राण चिकित्सा को 5 मिनट में बताना तो बहुत मुश्किल बात है, लेकिन मैंने पंचतत्व विद्या पे एक छोटी सी पोयम लिखी है, जो मैंने लिखी है भ भूमि ग गगन व वायु अ आकाश न नीर, जिसको हम कहते हैं भगवान. और वो भगवान जो है
वो हमारी आत्मा में पंच तत्व के माध्यम से है, तो हम भगवान को इधर उधर जो ढूंढते हैं वो कहीं ना कहीं इस पंच तत्व विद्या से हमारे बॉडी में ही है, जो प्राकृतिक चिकित्सा से हमको प्रदान करता है। तो मैं अगर अपने आप को बात करूं कि भारत की बेटी, भारत भूमि से जन्मी हूँ, गगन में चमकूंगी, अपने देश का तिरंगा ओढ़ वायु में लहराऊंगी, आंख उठा के तो देख ए असुर मेरी संस्कृति की ओर, अग्नि से ज्वाला बन तेरे अशकों से नीर बहाऊंगी। मेरे मन में एक चीज थी कि अगर आज मैं अपनी एजुकेशन की रिस्पेक्ट नहीं कर सकती हूँ तो मैं अपनी रिस्पेक्ट नहीं कर सकती हूँ। तो दिस वॉज अ कैंपेन फॉर डिग्निटी फॉर माई सेल्फ, वेयर आई स्टूड यू नो with my own thoughts or with just a small poem. तो it doesn't matter कि आपको अपने आप को बताने के लिए एक डिग्री, एक पोथी, एक थियोरेटिकल बेस की जरूरत है, आप अपने शब्दों से भी अपने आप को बयां कर सकते हो। और लोगों के मन में वो चीज जागरूक कर सकते हो जो वो करना चाहते हैं। तो मैं वो सिर्फ इतना करती हूँ कि अगर मैं तुमसे मिलती हूँ तो तुमसे पूछती हूँ तुम क्या चाहती हो, अगर मैं किसी और से मिलती हूँ तो उनसे पूछती हूँ कि आप क्या करना चाहते हो, तो जो आप करना चाहते हो उसकी दिशा में उनको दिखा देती हूँ, यही मेरा काम है और यही मेरा रोजगार है और यही आत्मनिर्भर भारत है। गुड, वाओ शर्मी जी, आपने बहुत ही सही कहा है, इतनी टचिंग स्पीच है, बहुत ही सही शर्मी जी, आपने बहुत इनक्रेडिबली बोला है आत्मनिर्भर भारत के बारे में, कितना अच्छी तरह से समझा दिया है पूरा इसके ऊपर। मैं अभी प्रॉपरली और पूर्वी तुमने एक सवाल किया था कि कितने लोगों को रोजगार मिला। हाँ, रोजगार ये एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो तुमने लिया है। तो बेसिकली देखो, रोजगार कैसे मिल सकता है, बहुत सारे लोगों को कुकिंग में इंटरेस्ट होता है, ठीक है ना, बहुत सारे लोगों को पैकेजिंग का हुनर बहुत अच्छा होता है। तो आज की डेट में एमएसएमई के माध्यम से और स्वयं सहायता समूह के माध्यम से, नगर निगम से ही बहुत सारी योजनाएं ऐसी चल रही है जिसमें व्यक्ति स्मॉल सेविंग से आगे बढ़ सकता है। तो सबसे पहले नशा मुक्त मैंने चालू किया, जिसमें मैंने उनको बोला 20 रुपए सेविंग करनी है और 20 रुपए विद्या के ऊपर आप काम करो। उसमें हमने एक एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम बनाया, उस एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर हम मात्र 600 रुपीज मंथ में 3 मंथ्स का कोर्स कराते हैं, जिसमें हम रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, जिसमें आप खुद आगे बढ़ना चाहते हो उसको हम सिखाते हैं, और उसका सर्टिफिकेट प्रोग्राम भी देते हैं, वो एमएसएमई के माध्यम से ही देते हैं, और हम आईएसओ सर्टिफाइड हैं, और आईएसओ सर्टिफाइड होने के बाद हम जो हैं इस पूरा जो स्पेस है इसको हम लेते हैं, लोगों को बताते हैं, उनको सर्टिफिकेट्स देते हैं, और हम इंटरनेशनली भी अपने आप को स्टैंड करते हैं। इसकी मदद से हम नीति आयोग से रजिस्टर्ड हैं, जहाँ पर हम अवेयरनेस प्रोग्राम्स रन करते हैं ऑन हेल्थ। इसके बाद हम महिला बाल विकास से रजिस्टर्ड हैं, हम श्रम एवं रोजगार मंत्रालय से रजिस्टर्ड हैं, हम आयुष मंत्रालय से रजिस्टर्ड हैं, हम हस्तशिल्प विभाग से रजिस्टर्ड हैं। तो हम जन शिक्षण संस्थान के माध्यम से प्रधानमंत्री कौशल विकास, NSDL के कोर्सेज, NSDC के कोर्सेज, वो भी हम लोगों को प्रोवाइड करते हैं। और ये तो 20 रुपए विद्या हमने बताया कि आप गुटखा छोड़िए, है ना, हर फैमिली कहीं ना कहीं एक ड्रग एडिक्शन में है, या स्मोकिंग एडिक्शन में है, अल्कोहल एडिक्शन में, या टोबैको एडिक्शन में, तो उनको हमने बोला कि आप 20-20 रुपए सेव कीजिए, इससे आप अपना एजुकेशन लीजिए। मैं नहीं कहती हूँ कि आपको 3-3, 4-4 साल देने हैं, आप नहीं दे सकते हो, आप सबसे पहले आप अपने आप को एक सर्टिफिकेट प्रोग्राम में लाइए, जब आप सीखना चालू करोगे
बोलना चालू करोगे, लिखना चालू करोगे, पढ़ना चालू करोगे। इसमें हमने डिजिटल इंडिया का एक प्रोजेक्ट और बनाया जिसमें हम फॉन्ट्स और कैलीग्राफी के माध्यम से लोगों को साक्षरता देते हैं। तो अब एबीसीडी है तो एबीसीडी कैन बी यूनिक विद एन आर्ट। तो हम क्या करते हैं, डिजिटल इंडिया के माध्यम से उनको पूरे कंप्यूटराइज्ड फॉन्ट सिखाते हैं, उनको बुक मेकिंग सिखाते हैं और उसके बाद हम लोग उनको जो है वो आगे नॉलेज प्रोवाइड करते हैं। फिर हम सोशल मीडिया एग्जीक्यूटिव का कोर्स चलाते हैं जिसके अंदर हम उनको बोलना सिखाते हैं, अपने प्रोजेक्ट को प्रचार कैसे कर सकते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन मोड के ऊपर, पैम्पलेट्स कैसे बनाए जा सकते हैं, मार्केटिंग कैसे की जा सकती है, टेलीफोनिक कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए, पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैसी होनी चाहिए, आपको किस तरीके से बातें करनी चाहिए, आप कैसे लोगों तक अपना मैसेज पहुंचा सकते हो। तो इस तरीके से हम लोग एक छोटे छोटे प्रोग्राम्स के माध्यम से सबसे पहले एजुकेशन की इम्पोर्टेंस को लोगों तक लाते हैं, फिर वहां से हम उनको एम्पावरमेंट देते हैं। जैसे मैंने आपको बताया अभी मेरे एक्यूप्रेशर थेरेपी क्लिनिक के ऊपर मैंने अभी हाल ही में 3 थेरेपिस्ट अपॉइंट करें और उन थेरेपिस्ट को मैं लाइव थेरेपी ट्रेनिंग देती हूँ और उस लाइव थेरेपी ट्रेनिंग के बाद उनको मैं रोजगार प्रदान करती हूँ। और ये प्रोजेक्ट हम मंदिरों तक लेके जाने वाले हैं और हम हर बस्ती में एक मोहल्ला क्लिनिक या बस्ती क्लिनिक के फॉर्म पे एक एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर डेवलप करने वाले हैं। उस थेरेपी सेंटर में 5-5 लोग काम करेंगे जो पेशेंट्स की काउंसलिंग करेंगे, उनकी बीमारी के बारे में सुनेंगे, उनको समझेंगे और उनको समझने के बाद आयुर्वेदा और एक्यूप्रेशर के माध्यम से, योग के माध्यम से, एरोबिक्स के माध्यम से, मेडिटेशन के माध्यम से, हीलिंग के माध्यम से, न्यूमरोलॉजी के माध्यम से और टैरो के माध्यम से, स्पिरिचुअल हीलिंग के माध्यम से, प्रार्थनाओं के माध्यम से हम लोगों को मोटिवेशन प्रोवाइड करके कर्म के पीछे लेके जाएंगे। जैसे कि एक्यूप्रेशर स्वयं का कर्म है। अब आपके पास जिमी है और अगर आपको कहीं पेन हो रहा है तो आप अपने हाथ के ऊपर जिमी मूव करके उस लोकेशन को ट्रेस करके उस पॉइंट को दबाकर उस पर्टिकुलर ऑर्गन को रिपेयर कर सकते हो, रीएक्टिवेट कर सकते हो। तो बहुत सारे लोगों को इसमें फायदा मिला। हमारे पास पैरालाइज्ड पेशेंट आए जो 4 दिन में ठीक हुए और बोलने तक लग गए जिनकी आवाज चली गई थी और उनको 4 लोग उठाकर लाए थे और 4th दिन पे वो चलने लगे। फिर कुछ ऐसे बुजुर्ग आए जिनको घुटने में बहुत तकलीफ थी और उनको समझ नहीं आता था कि वो कभी चल भी पाएंगे। डॉक्टर ने नी रिप्लेसमेंट के लिए बोला है, गैप बोल दिया गया है, बट एक्यूप्रेशर के माध्यम से उन्होंने अपने आप को जो ट्रीटमेंट देना चालू किया। हमने सिर्फ 5 डेज थेरेपी रखी है, 5 डेज के बाद प्रैक्टिस आपको खुद करनी है। अगर जरूरत पड़ेगी तो हम अवेलेबल हैं, बट नॉट मोर देन 5 डेज बिकॉज इट इज अ प्रैक्टिस, यू नीड टू डू इट टिल 40 डेज यू हैव टू कम। तो हमने मात्र 100 रुपए महीना एक योग मेडिटेशन सेंटर खोला है जिसमें हम व्यक्ति को उनकी किट के माध्यम से सेल्फ एक्सरसाइज करने के लिए बुलाते हैं, उनकी हीलिंग करते हैं, उनको गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं और ये सेंटर को रन करते हैं। गौर, वाओ शालिनी जी, इतना सब कुछ एक छोटा सा एफर्ट है टू ब्रिंग स्माइल एंड हेल्थ to a person who's really struggling. जैसे कि रोजगार की बात है तो अगर कोई व्यक्ति जिसके पास कौशल है और वो अपना ट्रेनिंग सेंटर डेवलप करना चाहता है या अपने जो जो एजुकेशन है उसको लोगों तक पहुंचाना चाहता है तो अपन अपने एनजीओ से अफिलिएशन प्रोग्राम्स भी रन करते हैं जिसके माध्यम से हम सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करते हैं एग्जामिनेशन कंडक्ट करके,
RPL रिवाइज पायर लर्निंग के माध्यम से सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स देते हैं, सर्टिफिकेट कोर्सेज कराते हैं, और हम अपने यहाँ पर करियर अपॉर्चुनिटीज में ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट डिपार्टमेंट के माध्यम से वो अपने से जुड़ सकता है व्यक्ति। इसके बाद वो इवेंट मैनेजमेंट के माध्यम से जुड़ सकता है, एज अ ट्रेनर अपने साथ में वो व्यक्ति जुड़ सकता है, और एज अ थेरेपिस्ट वो अपने साथ में जुड़ सकता है। तो अलग अलग तरीके से। फिर उसके बाद हमारे यहाँ पर जो कौशल विकास के कोर्सेज हैं उसमें भी वो एज अ ट्रेनर, कंप्यूटर ऑपरेटर, बहुत सारे जो सेक्शंस हैं। बट अपने यहाँ पर ये चीज है कि अपने जो कोर्सेज हैं वो सेल्फ डेवलप्ड कोर्सेज हैं। हम लोग खुद मॉड्यूल्स बनाते हैं, हम लोग खुद अकॉर्डिंग टू पीपल बुक्स क्रिएट करते हैं, स्टोरी बुक क्रिएट करते हैं, रिसर्च करते हैं, और फिर उसके बाद हम लोग एजुकेशनल बेस्ड प्रोग्राम्स डेवलप करते हैं और बुकलेट्स डेवलप करते हैं। तो अपने यहाँ पर ट्रेनिंग की सख्त आवश्यकता है। जो ट्रेनर ऑफ द ट्रेनर प्रोग्राम जो अपना चलता है उसके माध्यम से मेंबरशिप लेकर के व्यक्ति अपने साथ जुड़ करके एज एन इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर अपनी फ्रेंचाइजी लेकर के व्यक्ति काम कर सकता है। ओके, मतलब कोई भी प्रकार का कोई भी कुछ भी सिखा रहा है, जैसे सिखा रहा है कोई भी प्रकार की चीजें, तो वो आपके साथ में जुड़ सकता है। जैसे समझो अभी मैं एक्यूप्रेशर सिखा रही हूँ, मैं तो ऑलरेडी आपके साथ में जुड़ी हुई हूँ। वैसे ही कोई अगर सिलाई बुनाई कढ़ाई सिखा रहा है, स्टिचिंग में है, फैशन डिजाइनिंग कर रहा है कोई, या शेफ है, और समझो अगर उसे देनी है उसकी सर्टिफिकेट, तो वो आपके साथ में अफिलिएशन ले सकता है, राइट? बिल्कुल, जो कहना है ये, राइट? जो अपने बायलॉज होते हैं उन बायलॉज के माध्यम से अपन जागरूकता एवं रोजगार संबंधित कोर्सेज डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि हम ISO डेवलप्ड हैं और MSME डेवलप्ड हैं, तो लघु उद्योग के सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स हम रन करते हैं। तो अगर आप हमारे साथ में एज अ ट्रेनर ज्वाइन करते हो, या अगर आप हमारे साथ में हमारे फ्रेंचाइजी बेस्ड प्रोग्राम रन करते हो, तो आप हमारे साथ में इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर की तरह से, मेंबर की तरह से, नॉट डिस्ट्रीब्यूटर, इंडिपेंडेंट मेंबर की तरह से एक हमारे एग्रीगेटेड प्रोजेक्ट का हिस्सा बनके, जैसे आप एक प्रोजेक्ट डायरेक्ट कर रहे हो, तो इसी तरीके से आप हमारे यहाँ पर डायरेक्टरशिप या मैनेजमेंट के अंतर्गत आकर के आप उस प्रोग्राम का हिस्सा एज इंडिपेंडेंट पर्सन कर सकते हैं। वाह, ग्रेट। तो ये तो अपॉर्चुनिटी बहुत ही अच्छी है लोगों के लिए, क्योंकि आपको पता है, आपको तो मेरे बारे में पता ही है कि मैं कितना टाइम परेशान हुई थी कि मुझे मेरा गवर्नमेंट का सर्टिफिकेशन करवाना है। फिर लास्ट में मैं आपके साथ जुड़ी थी, क्योंकि मुझे आइडिया तभी जाके आया कि ओके, मेरा गवर्नमेंट में होगा तभी जब मैं आपके साथ में जुड़ूंगी, राइट? और बहुत सारे ऐसे लोग हैं, सिर्फ नॉट ओनली इन एक्यूप्रेशर में तो है ही लोग जो चाहते ही है कि वो एज अ जो भी सिखा रहे हैं उनके पास ही गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट आए। पर कितने ऐसे अलग अलग चीज़ों के लोग हैं, जो कंप्यूटर में हो गया, अगर समझो कोई कंप्यूटर का कुछ सिखा रहा है, माइक्रोसॉफ्ट का वगैरह कुछ सिखा रहा है, या वेबसाइट बिल्डिंग सिखा रहा है, उन सभी को भी तो कितना काम का आएगा ये, या कोई भी और चीज़ हो गई, अलग अलग वेरिएंट हो गए चीज़ों के, तो वो उसमें भी आपके पास आके अप्रोच कर सकता है, आपसे अफिलिएशन ले सकता है, मेंबरशिप ले सकता है। तो ये बहुत ही बड़ी चीज़ है एक अपने आप में, राइट? एक्चुअली अपने अंडर में आकर के जो अपने कोर्सेज हैं उसमें सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स ऑनलाइन ऑफलाइन भी ले सकते हैं, तो वो हमारे पास सीख कर लोगों को सिखा सकते हैं, क्योंकि ये जो सीखो सिखाओ और कमाओ योजना है, जब आप सीखोगे तभी आप किसी को सिखा सकते हो, राइट? और जब आप किसी को सिखाओगे तो ऑब्वियस ही बात है उस पे अर्निंग होगी ही होगी। तो ये जो सीखो सिखाओ और कमाओ योजना जो अपन ने अपने कैंपेन में चलाई है आत्मनिर्भर भारत में, वो एक बहुत बड़ी योजना है जिसके माध्यम से आत्मनिर्भर भारत का हिस्सा बना जा सकता है। बहुत ही ग्रेट, वाओ ग्रेट चाइनी जी, ग्रेट। अभी यहाँ पे अगर किसी को आपके साथ में जुड़ना हो, कोई डोनेशन देना हो, तो उसमें क्या प्रोसीजर रहेगा और इसके क्या बेनिफिट्स भी होंगे, आप थोड़ा इसके बारे में भी थोड़ा आइडिया दे दीजिए।
हमारी ऑर्गेनाइजेशन ATG बेनिफिट्स कैरी करती है और डोनेशन कभी भी मांगा नहीं जाता, तो हमने आज तक ऐसा जो है वो कैंपेन किया नहीं है कि हम की जाए और लोगों को बोलें कि आप हमको डोनेशन दे दीजिए. बट हाँ, हमारे जो कैंपेन्स हैं वो सर्टिफिकेट बेस्ड प्रोग्राम्स होते हैं. अगर वो खुद अपने लिए सेल्फ हीलिंग प्रोग्राम्स करना चाहते हैं तो हमारे वर्कशॉप का हिस्सा बन सकते हैं. सेकेंडली, हमारे यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो कुछ गिफ्ट्स बनाते हैं जो हैंडमेड होते हैं, जैसे हैंडमेड पेन्स हो गया. फिर हम लोग छोटे छोटे बच्चों के लिए कुछ ब्रेसलेट्स बनवाते हैं, कुछ पाउचेस बनवाते हैं महिलाओं से. और क्योंकि कैंपेन फॉर डिग्निटी है तो हम ना तो उनको फ्री का पैसा देना चाहते हैं, और क्योंकि और ना ही हमारे पास ऐसे सोर्सेज हैं कि हम किसी को फ्री में दान कर सकें, पैसा दे सकें. तो हमारा कोशिश ये होता है कि अगर हम किसी सरकारी स्कूल में जा रहे हैं तो उन बच्चों के साथ एक आनंद मेला करें, और उस आनंद मेले में जो हमारी महिलाओं द्वारा पाउचेस बनाए जा रहे हैं, पेपर बैग्स बनाए जा रहे हैं, फिर हमारे यहाँ से कुछ सॉफ्ट टॉयज बनाए जा रहे हैं या ब्रेसलेट्स बनाए जा रहे हैं, तो हम बच्चों के लिए अलग अलग टॉयज क्रिएट करवाते हैं महिलाओं से हैंडीक्राफ्ट में, जूट आर्ट के माध्यम से, बैम्बू आर्ट के माध्यम से छोटे छोटे टॉयज बनवाते हैं जिनकी कॉस्टिंग मात्र 10 रुपए से 50 रुपए तक की होती है. तो एक बच्चे का गिफ्ट पैक हमने मात्र 50 रुपीज रखा है. तो अगर कोई कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहता है तो 10, 50 जो भी करना रहता है, अलग अलग छोटे छोटे पेंसिल्स होती हैं, तो कुछ 10 रुपए हम लोग हैंडमेड पेन्स बनाते हैं तो उनकी कॉस्टिंग हम लोगों ने 10 रुपए से रखी है. तो आप हमारी संस्था को इवन 10 रुपीज से डोनेशन दे सकते हैं. अगर कोई व्यक्ति बोलता है कि हमको कुछ देना है आपको, तो हम उनको बोलते हैं कि आप हमको सामान दे दो, जैसे मोती हो गया. फिर हमारे पास पेन्स के लिए हमको कलरफुल पेपर, स्केच पेन्स, क्रेयॉन्स, फिर फेविक्रिल कलर्स, जूट, इस तरीके के आइटम्स लगते हैं. तो हम उनको बोलते हैं आप डायरेक्टली दुकान वालों को पे करके हमको भी दे सकते हो या आप हमको डोनेशन दे सकते हो. तो हम उससे सामान लाते हैं और बकायदा जो सामान लाते हैं वो हम उन लोगों को भी दिखाते हैं कि भाई हम आपके लिए, आपके जो भी कॉन्ट्रीब्यूशन है उसके माध्यम से हम ये लाए हैं. या अभी हम लोगों ने मंगल और शनि का भी दान करना चालू किया है जिसमें हम लोग ऑयल्स लेते हैं, क्योंकि हमारे पास में बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिनके पास थेरेपी के लिए पैसे नहीं होते हैं. और उनकी हम लोग उन उन कॉन्ट्रीब्यूशन से, मंगल और शनि के दान से, हम उन लोगों के लिए ऑयल्स खरीदते हैं और उन महिलाओं को रोजगार देते हैं जो थेरेपी करती हैं. तो हम एक कैंपेन ऐसा भी चला रहे हैं जिसमें हम गरीबों का निशुल्क थेरेपी करते हैं थ्रू द कॉन्ट्रीब्यूशंस जो मंगल शनि का दान करना चाहते हैं. तेल दान हर व्यक्ति करता है, तो अगर तेल दान अगर किसी की थेरेपी में की जाए, किसी पैरालाइज पेशेंट की थेरेपी में की जाए, किसी के घुटने में दर्द है उसकी थेरेपी की जाए, कमर दर्द है उसकी थेरेपी की जाए, जिसके पास पैसा नहीं है, बहुत गरीब लोग हैं ऐसे चैलेंजिंग सिचुएशन में है जो अपने ऊपर 100 रुपए भी खर्च नहीं कर सकते, तो हम उन लोगों की थेरेपी करवाते हैं और उसका दान हम लोगों ने मात्र 100 रुपए रखा है. तो जितने लोगों को दान करना चाहते हैं आप 10 रुपए से लेकर के 100 रुपए से लेकर के आप कर सकते हैं. आप मटेरियल डोनेशन कर सकते हैं हमारे पास में, और हमारे जो संस्था के पूरे वेबसाइट्स हैं, स्कैनर्स हैं, अकाउंट्स हैं, वो सब अवेलेबल हैं ऑनलाइन और सारे ATG से संबंधित है. उसमें टैक्स रिबेट्स भी है. इसके अलावा अगर कोई अच्छा CSR फंड करना चाहता है तो हमारा कोशिश ये रहता है कि हम एजुकेशन पे CSR लें ताकि अधिक से अधिक लोगों को एजुकेशन देकर के हम आत्मनिर्भर बना सकें और उनको किट्स प्रोवाइड कर सकें. सेल्फ केयर किट होती है जैसे एक्यूप्रेशर की, तो उसके अंदर हम लोगों ने जो है रोजगार किट्स बनाकर रखी हैं. तो CSR एक्टिविटीज के अंदर हम रोजगार किट्स भी प्रोवाइड करते हैं. वाओ, ग्रेट चांदनी जी, वाओ, बहुत ही सही. आज आपसे बात करके बहुत ही मजा आया, इतना सब कुछ जानने मिला आपके बारे में, संस्था के बारे में और जानने मिला. ऐसे तो मैं हूँ भी एक एक्टिव पार्टनर आपकी संस्था की, बट फिर भी ये सारी चीजें जानने का मुझे भी पहली बार मौका मिला है.
थैंक यू सो मच। आज तक तुमसे मैंने जितनी बात की है वो केवल एक्यूप्रेशर के लिए, क्योंकि तुम्हारा फर्स्ट डे से सिर्फ एक ही इंटरेस्ट रहा है कि यू नो मैं आत्मनिर्भर कैसे बन सकती हूँ, मैं अपने आप को कैसे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे लेके जा सकती हूँ, मैं एक्यूप्रेशर को कैसे बढ़ा सकती हूँ। तो यू नो दैट एनर्जी नेवर लेट मी टॉक अबाउट एनीथिंग एल्स अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन। सो जब भी तुम्हारे फोन आते थे मुझे बहुत यू नो गिल्ट होता था कि ये मुझे फोन करती है और मैं उसको बोलती हूँ कि पूर्वी आई विल टॉक टू यू लेटर या मैं तुमसे रात को बात करती हूँ, अगर कुछ इम्पोर्टेंट है तो मैसेज भेज दो, मैं तुम्हें मैसेज के माध्यम से जवाब देती हूँ। एंड यू नो कभी कभी मुझे ऐसे लगता था कि यू नो यू आर सीकिंग सो मच एंड मैं तुमको टाइम नहीं दे पा रही हूँ कहीं ना कहीं अपने इन्वॉल्वमेंट की वजह से। तो आज मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है, और जब ऐसा था कि हम मिलने भी वाले हैं और मेरा मुंबई ट्रिप कैंसिल हो गया एंड यू वर फीलिंग सो सैड अबाउट इट कि आप नहीं आ सकते, उसका बुरा लग रहा है अभी तक। शालिनी जी कितना क्लोज थे कि आप आ रहे हो मुंबई और हम मिल रहे हैं करके, और रातों रात वो पूरा प्रोग्राम ही कैंसिल हो गया। ओह शिट, सच्ची में शालिनी जी पूरा ये, बट जब डेफिनेटली हम जरूर बहुत ही जल्द मिलेंगे, रियल लाइफ में मिलेंगे। अभी देखो पूर्वी क्या होता है कभी कभी प्रोग्राम कैंसिल हो जाते हैं, हमें बहुत सारी चीजों को बदलना पड़ता है मौके को देखते हुए। हमारे यहाँ पर असेसमेंट चल रहा था वो भी बहुत इम्पोर्टेंट था एंड बीइंग अ सेंटर कोऑर्डिनेटर मुझे यहाँ रहना बहुत जरूरी था, तो उसकी वजह से जो प्रोग्राम कैंसिल किया, बट तुम लोगों ने एंजॉय किया, तुम लोगों का अच्छा कैंपेन रहा, मुझे उस बात का बहुत यू नो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि यू आर इंडिविजुअली स्ट्रगलिंग सो हार्ड एंड डूइंग सो गुड। मतलब मुझे ऐसा लगता है यू नो कि यस आई हैव समबडी हु इज रियली रियली यू नो वर्किंग 24/7 थ्रू डिजिटल इंडिया एंड आई फील सो प्राउड टू सी यू एंड आई विश दैट यू नो योर एफर्ट शुड टेक यू टू योर ड्रीम्स व्हाट एवर यू हैव यू नो ड्रीम्ड टिल इट। थैंक यू सो मच शालिनी, थैंक यू सो मच। आज आपसे यहाँ जुड़कर बहुत ही खुशी हुई। आज का सेशन अभी ऐसा लग रहा है कि हमने इतना देखे भी एक घंटा हो गया मेरे ख्याल से, बट फिर भी ऐसा लग रहा है कि नहीं नहीं और थोड़ी देर बात करनी चाहिए, और थोड़ा जानना चाहिए आपसे। तुमने जब मुझे बोला कि बस शालिनी जी 10 मिनट दे दो, बस 10 मिनट दे दो, और लुक एट इट क्या टाइम हो रहा है, एक घंटा कहाँ चला गया पता ही नहीं चला। Thank you much, Shalini ji. Thank you for joining today. And but I hope तुम्हारे मन में जो questions थे organization को लेकर के और जो तुमको excitement था मुझसे बात करने का, finally you are satisfied. Fully satisfied, Shalini ji. Fully satisfied. Thank you. I hope this session should really, you know, inspiring and so proud of you that you have, you know, take in an initiative towards Rising Eye and lovely name you have given Rising Eye. thank you. You know, एक मैंने Raise India चालू किया था and Remarkable Eye चालू किया था. Now you have given a word Rising Eye. You know, it is so much youthful that you know. Something is going to rise above. Yeah. So I wish you all the very best for this campaign. And I wish that on this platform, you create many, many, many good efforts. And you bring lot of inspiring stories to motivate people. And I hope you will definitely get, you know, many, many more stories. हमारा बहुत ही खुशी हुई आज आपके साथ में ये पूरा लाइव सेशन लेने के साथ में, और इतनी ही खुशी लोगों को भी होगी जो ये देखेंगे। और थैंक यू सो मच, आई होप यू आर डन विथ ऑल योर क्वेश्चंस एंड नाउ यू आर फुली सैटिस्फाइड, और मुझे लगता है कि तुम्हारे मन में जो
थी, जो इच्छा थी कि मैं आपके बारे में जानना चाहती हूँ और लोगों तक पहुंचाना चाहती हूँ, वो अभी पूरा प्रॉपर हो चुका है। और वैसे आई एम ऑलवेज अवेलेबल, कभी भी ऐसा हो कि मुझे कुछ ऐसे इंस्पिरेशनल टॉक शोज करने हैं या मुझे और कुछ ऐसे मोटिवेशनल, बिकॉज एजुकेशन हैज लॉट ऑफ थिंग्स, तो उसके ऊपर भी अपन एक टॉक शो कर सकते हैं, जैसे कि सेल्फ डिफेंस हो गया, फिर एजुकेशनल टू एम्पावरमेंट प्रोग्राम्स हो गए, उसके अंदर भी रेगुलर बेसिस के ऊपर, एक्यूप्रेशर के ऊपर, अगर कहीं पर भी तुम्हें मेरे गाइडेंस की जरूरत पड़े तो आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू। थैंक यू सो मच आईनी, थैंक यू, आपने ये कहा है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है मेरे लिए और मेरे को जान के ही बहुत खुशी हुई। थैंक यू सो मच आईनी जी, यहाँ चलिए टेक केयर फॉर मी। थैंक यू शालिनी, थैंक यू, बाय, टेक केयर, बाय।